वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइज, आप देख रहे हैं दिव्रुष प्रॉपर्टी व्लॉग। सर, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही खास प्रोजेक्ट, एक लग्जरी प्रोजेक्ट इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, जो कि लोकेटेड है आपका सेंट्रल नोएडा में। और अगर मैं बात करता हूँ लोकेशन की, ये बहुत ही प्राइम लोकेशन है, सभी का कंसर्न रहता है कि हमें सेंट्रल नोएडा में फ्लैट चाहिए, तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ एक नया और लग्जरी फ्लैट लेके। सो गाइज, अगर मैं बात करता हूँ सराउंडिंग की, तो यहाँ पर 8 से 10 बड़े स्कूल मिल जाएंगे आपको। और मेट्रो कनेक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं, तो सेक्टर 101 का मेट्रो स्टेशन और सेक्टर 76 का मेट्रो स्टेशन वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको मिल जाता है। पहला एक सेंट्रल नोएडा का प्रोजेक्ट है, जो कि पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट है, कॉर्नर का आपका ये प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट का नाम है सीवीटेक स्टेडियम। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ 1735 स्क्वायर फीट का 3 BHK 3 टॉयलेट प्लस स्टोर फ्लैट, जो कि काफ़ी पसंद आने वाला है। और ये सेमी फर्निश्ड आपको फ्लैट मिलने वाला है, जिसमें आपको कबर्ड्स वगैरह करा कर दिए जाएंगे, मॉड्यूलर किचन आपको करा कर दिया जाएगा, जो भी मूवेबल आइटम्स होगा वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो आइए चलते हैं फ्लैट की ओर, मैं आपको दिखाऊंगा एक एक डायमेंशन और बताऊंगा क्या क्या इंक्लूडेड है इस सोसाइटी में आपके लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली कुछ वीडियोस में आपको दिखाने वाला हूं लग्जूरियस फ्लैट्स, जो कि आपको काफ़ी पसंद आने वाले हैं। और अपकमिंग वीडियोस में, क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है लोगों की, फार्म हाउस लैंड भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो आइए चलते हैं फ्लैट की ओर, देखेंगे क्या खासियत है इसमें। सो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं हमारे फ्लैट के बिल्कुल सामने, और मैं आपको दिखाने वाला हूं 1735 स्क्वायर फीट का 3 BHK फ्लैट। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, सामने की तरफ हमारी लिफ्ट आ जाती है, दो लिफ्ट अवेलेबल हैं, एक फ्लोर पर आपके 4 फ्लैट आ जाते हैं। उसी के साइड में अगर आप देखेंगे तो स्टेयर्स हमारी दी गई हैं, वाइड स्टेयर्स यहाँ पर दी गई हैं। ये हमारा फ्लैट है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ फ्लैट के अंदर, तो आइए चलते हैं। सो गाइज, एंटर करते ही हमारा ये स्पेशियस ड्राइंग रूम आ जाता है, जिसके टोटल एरिया की अगर हम बात करते हैं तो 17x11 का ही हमारा ड्राइंग रूम आ जाता है। काफ़ी स्पेशियस ड्राइंग रूम है, रूम में आप सीलिंग का डिज़ाइन भी यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं फ्लैट, आपको एज इट इज़ मिलेगा जो आप इसमें देख रहे हैं। अभी यहाँ पर कोई भी मूवेबल आइटम अवेलेबल नहीं है। सो गाइज, जैसे हम ड्राइंग रूम से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, डाइनिंग का स्पेस आ जाता है हमारा, 10x12 का ये डाइनिंग का स्पेस आ जाता है। काफ़ी स्पेशियस 6-सीटर डाइनिंग टेबल यहाँ पर इजीली प्लेस कर सकते हैं आप। सामने की तरफ हमारी आ जाती है 5 फीट वाइड बालकनी, एक बार मैं आपको स्पेस दिखा देता हूँ। बालकनी से आप सामने का व्यू देख सकते हैं, पूरा सेंट्रल नोएडा आपको इस प्रोजेक्ट से दिखेगा। और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सोसाइटी का पूरा एम्बियंस दिख रहा है, स्विमिंग पूल सामने है, एक काफ़ी अच्छा गार्डन यहाँ पर बनाकर दिया जा रहा है, जिसमें कि ग्रीनरी ही ग्रीनरी है आपको चारों तरफ से, आप देख सकते हैं। सामने की तरफ आपका किड्स प्ले एरिया आ जाता है। लेफ्ट साइड में आपका आ जाता है क्लब हाउस। सो गाइस, इसी के साथ में हमारा आ जाता है किचन। किचन की टोटल एरिया की अगर मैं बात करता हूँ, तो 7x9 का हमारा एक किचन आ जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर फुली मॉड्यूलर किचन यहाँ पर आपको मिल रहा है, जिसमें आपको सारे कैबिनेट्स बनाकर दिए जाएंगे, चिमनी आरओ आपको लगा कर दिया जाएगा, एल शेप आपकी ये स्लैब आ जाती है। अगर आप देखेंगे डबल सिंक यहाँ पर लगी हुई है किचन में। और उसी के साइड में आ जाता है हमारा ये 6 फीट वाइड यूटिलिटी स्पेस। यहाँ पर हमारी एक टेबल दी गई है, आराम से दो बंदे बैठकर यहाँ पर कुछ भी खा सकते हैं, एक ये यूनिक चीज़ यहाँ पर दी गई है। उसी के साइड में हमारा ये कबर्ड आ जाता है, इसमें शोपीस भी रख सकते हैं आप, और ऊपर दो बॉक्सेस दिए गए हैं जहाँ पर आप स्टोरेज कर सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे बेडरूम्स की ओर। सो गाइस, डाइनिंग स्पेस से आगे बढ़ते ही हमारा 14x11 का ये मास्टर बेडरूम आ जाता है। काफ़ी स्पेशियस मास्टर बेडरूम है, जिसमें आपको कबर्ड्स यहाँ पर बनाकर दिए जा रहे हैं, साथ में आपको 5 फीट वाइड एक बालकनी दी जा रही है। ये हमारी 5 फीट की बालकनी आ जाती है, जिसमें आपको सनलाइट और फ्रेश एयर का फुल एडवांटेज मिलने वाला है। आपको पूरी नेचुरल एयर मिलेगी यहाँ पर।
सामने की तरफ हमारा आ जाता है ड्रेसिंग रूम, जिसमें आपको कबर्ड्स बनाकर दिए जा रहे हैं आपके रेगुलर चीज़ें रखने के लिए। सामने की तरफ आपका ये ड्रेसिंग रूम दिया गया है, सामने उसके पैसेज दिया गया है। राइट साइड में हमारे आ जाता है एक वॉशरूम, यहाँ पर आपको सारी सैनिटरी फिटिंग्स पहले से ही देखने को मिलेंगी, शावर टैप वगैरह सब पहले से ही फिटेड है। यहाँ पर जैगवार की फिटिंग्स यहाँ पर कर दी जाएंगी आपको। सो गाइज, ये हमारा मास्टर बेडरूम है, उसी के साइड में हमारा ये स्टोर रूम आ जाता है, जिसके टोटल एरिया की अगर हम बात करते हैं तो 4x5 का स्टोर रूम है, जिसे आप पूजा घर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं और एज ए स्टोर भी यूज़ कर सकते हैं। स्टोर रूम के सामने ही हमारा एक कॉमन वॉशरूम आ जाता है, जिसके टोटल एरिया की अगर मैं बात करता हूँ 5x7.5 का कॉमन वॉशरूम आ जाता है, जिसमें सारी सैनिटरी फिटिंग्स जैगवार की फिटिंग्स जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कर दी जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं टैप वगैरह एज इट इज़ मिलेगी आपको। सो गाइज, ये हमारा सेकंड बेडरूम आ जाता है, जिसके टोटल एरिया की अगर मैं बात करता हूँ तो 13x10 का ये बेडरूम है, जिसके साथ अटैच आपको एक वॉशरूम मिलने वाला है। सामने की तरफ आपको कबर्ड्स बने मिलेंगे, 3-door कबर्ड्स यहाँ पर मिल रहे हैं, और अगर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में आपको वॉशरूम के टोटल एरिया की अगर मैं बात करता हूँ तो 8x5 का ये वॉशरूम है। वॉशरूम में आपको सारी सैनिटरी फिटिंग्स एज इट इज मिलने वाली हैं। फाइव फीट वाइड ये आपकी बालकनी आ जाती है। सो गाइस, हम एंटर कर रहे हैं हमारे थर्ड बेडरूम की ओर, जिसके टोटल एरिया की अगर मैं बात करता हूँ तो 10x12 का ये हमारा थर्ड बेडरूम है, जिसके साथ आपको 5 feet की एक बालकनी मिलने वाली है। सीलिंग का डिज़ाइन आपको एज इट इज़ मिलेगा, जैसा आप देख रहे हैं। यहाँ पर भी आपको मिलने वाला है एक कबर्ड एज इट इज़ बना के। अगर आप देखेंगे सामने की तरफ जो हमारा कॉमन वॉशरूम है, वो इस रूम में भी कनेक्ट होता है उसका एक गेट। सो गाइस, जैसा कि आपने अभी फ्लैट देखा, काफ़ी स्पेशियस फ्लैट है और क्वालिटी प्रोडक्ट है आपके लिए। गाइस, सबका कंसर्न रहता है सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी को लेकर, दिल्ली से कितना दूर है और सेंटर में है। तो ये सेंट्रल नोएडा का जो आपका प्रोजेक्ट मैंने आपको दिखाया है, इसी पर्पज से दिखाया है कि आपको कनेक्टिविटी का कोई इशू ना आए और सराउंडिंग में आपको डेली नीड्स की सारी चीज़ें अवेलेबल मिले। विद इन 1 to 2 kilometers यहाँ पर सारा कुछ अवेलेबल मिल जाएगा। सामने की तरफ अगर आप देख रहे होंगे, सामने की तरफ हमारी रोड आ जाती है, जिसके सामने आपका ग्रीन बेल्ट है। ये भी एक प्लस पॉइंट है कि इसके सामने कोई हाई राइज प्रोजेक्ट नहीं आएगा, आज भी नहीं है और फ्यूचर में भी नहीं आएगा। सामने की तरफ आप सोसाइटी के टावर्स देख सकते हैं, जो एलिवेशन है वो काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है इस सोसाइटी का। अब बात कर लेते हैं हमारे फ्लैट के प्राइस की। इस यहाँ पर जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 97 lakhs स्टार्टिंग प्राइस है, और फ्लोर प्रेफरेंस भी आपको मिल जाएगी। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि रजिस्ट्री चार्जेस और मीटर चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको विजिट के टाइम पर डिस्कस करी जाएंगी, जो हमारे सेल्स मैनेजर अवेलेबल होंगे वो आपसे डिस्कस करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और विजिट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें कॉल कर सकते हैं और एक बेटर डील ले सकते हैं। सो गाइस, एक चीज़ और मैं हाईलाइट करना चाहूँगा आपसे कि ये प्रोजेक्ट हमने अंडरराइट किया हुआ है, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने के यहाँ पर चांसेस हैं। आप आइए, एक बार विजिट कीजिए, प्रोजेक्ट पसंद आता है तो आपको बेटर डील हम ऑन द स्पॉट प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।